वेलकम एवरीबडी, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। डॉक्टर जी वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जी ने 12 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। आपने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रोमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस जैसी समस्या की गंभीरता को समझा और 16 सालों से भी ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीस और जेन आर्थ्रो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर जी के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जी, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि एक ऐसा शो है जहां आप डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को, आपके फ्रेंड्स में या ऑफिस में किसी को भी जोड़ों में दर्द है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं या फिर आप अपनी मदद करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एपिसोड और जानते हैं डॉक्टर जी से कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। मैं बहुत से पेशेंट से बात करता हूं, बहुत से पेशेंट से मिलता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्यों आप पेन किलर खाते रहे, अब किडनी पे असर आ गया, ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ है और डायबिटीज साथ साथ है, तो ये तीनों चीजें इतनी जोर की मार मारते हैं आपकी किडनीज को कि वो संभल नहीं पाते। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं उससे आपकी किडनीज पर असर पहुंचता है, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं उससे आपकी किडनीज पर असर पहुंचता है, और बहुत सी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं जिससे आपकी किडनीज पर असर पहुंचता है। क्या हम इस समय एक प्रॉब्लम को सही तरीके से सुलझाने की जगह फ्यूचर में उसको बुरे तरीके से संभालेंगे, यानी कि उसको संभाल ही नहीं सकेंगे? तो दोस्तों याद रखिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस बड़ी सिंपल हैं कि आपने पेन किलर को कहना है ना, आपने अंदर से रिपेयर करना है प्रोसेस को। अगर आप फूड सप्लीमेंट शुरू नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली घुटने की एक्सरसाइजेस कीजिए, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग कीजिए, साइकिलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपके जॉइंट के अंदर पेन है, सूजन आ गई, तो उस टाइम पर रेस्ट करें। रेस्ट से, रिकवरी से धीरे धीरे प्रोसेस आपका सुधरना शुरू होगा। प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, और उसके बाद अगर आप फूड सप्लीमेंट्स को जोड़ते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आप चाहें तो आप राइस में से एस हटा के राइस के फॉर्मूले को भी तो फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आपने सिर्फ रेस्ट देना है, उसके बाद क्रेप बैंडेज बांधनी है, तकिए रखने हैं एडी के नीचे और आइसिंग करनी। इसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं होता। अगर ये कर लेंगे तो भी आप 25-30-40% अपना फायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों क्यों आप उन पेन किलर्स को खा खा के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी के अंदर जहर घोलते हैं, इसे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। डॉक्टर जी आइए शुरू करते हैं फोन कॉल्स का सिलसिला और लेते हैं पहला फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। जी मैं परवीन फारूकी बोल रही हूँ, जयपुर पिंक सिटी से। परवीन पिंकी सिटी से बोल रही हैं आप? जी हाँ जी। तो बताइए पिंकी सिटी से कैसे याद किया आपने हमें जयपुर से? जी मेरे घुटनों में डॉक्टर साहब दर्द रहता है। जी तो किस और सूजन भी रहती है। सूजन भी रहती है, तो आपके दर्द जो होता है वो उठते बैठते चलते फिरते सीढ़ी चढ़ते उतरते होता है या बैठे बैठे भी होता है? जी बैठे बैठे होता है, उकड़ू बैठती हूँ ना जब तो ज्यादा रहता है, और ज्यादा चलती हूँ ना तब भी होता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी उंगलियों के अंदर अकड़न रहती है सुबह जब उठती है? जी हाँ। और आपका शरीर अकड़ा अकड़ा रहता है, जैसे कि मौसम बदलता है तो दर्द बढ़ जाता है, और आप नोटिस करती हैं टेंशन लेती हैं तो उस टाइम पे भी दर्द आपका शुरू हो जाता जी है? हाँ, जी हाँ। तो क्या आपके डॉक्टर ने डायग्नोसिस आपका नहीं लगाया गठिया का? नहीं जी।
आपको क्या करना है इस समय, अर्थराइट प्लस का एक कैप्सूल सुबह और शाम को लेना है आपने जीवन भर, यानी कि लाइफ लॉन्ग। और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे पकड़ में आती है और करीब 35% पेशेंट्स देखेंगे कि उनको एक महीने के अंदर फायदा मिलता है, 3 महीने के अंदर करीब 65% और 1 साल में 90-95% लोग फायदा उठाते हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है घुटने की, क्योंकि आपको लगातार चलते फिरते दर्द होता है, इसलिए आपने लेने हैं 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को अर्थराइट प्लस के, 1 सैशे जन आर्थ्रो का किसी भी समय दिन में दूध के साथ लेना है। उसके बाद क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है जो आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी, एक आपने साइकिल खरीदनी है और साइकिलिंग शुरू करेंगे घर में जल्दी से। उसके बाद हथेली के अंदर थोड़ा सा तेल लेंगे, सरसों का, नारियल का या ऑलिव ऑयल, उसमें 2 स्प्रे करने हैं आपने सूजी के, पिशिक करके। उसके बाद मलना है अपने घुटने में या उंगलियों के अंदर जहां आपको दर्द होता है। उसके बाद आपने हीट देनी है, आपने आइसिंग नहीं करनी, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जितने पेशेंट्स हैं उनको हीट देनी है, उनको आइसिंग नहीं करनी। और जब आप हीट देंगे उसके बाद अपने एड़ी के नीचे 2-3 तकिए रखिए कि वहां से सूजन आपके शरीर के अंदर जा सके, वापस हार्ट की तरफ यानी कि दिल की तरफ वापस जा सके, कि उसको प्रोसेस किया जा सके। इस प्रोसेस को कम से कम दिन में 2 बार से 4 बार जरूर करें। धीरे धीरे जैसे सूजन ठीक होनी शुरू होगी उसके बाद फिर चलना फिरना शुरू करें, इसलिए रेस्ट बहुत जरूरी है आपके केस में। और जब आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने की प्रॉब्लम पूरी 100% तक ठीक हो जाएगी, उसके बाद आर्थराइट प्लस का एक कैप्सूल और सुबह और शाम को जरूर लेते रहें, क्योंकि ये बीमारी लौट कर आती है और बड़ा तंग करती है। दूसरी चीज, अगर दर्द हो बीच में, जैसे मौसम बदला, टेंशन ली या प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो पेन किलर मत खाइए। उस समय सूजीस का स्प्रे, जैसे कि मैंने बताया, ऑयल में मिक्स करके अपने जॉइंट्स में लगाइए, और चाहे तो हर घंटे 2 घंटे में लगा सकते हैं और आपको ये रिलीफ लगातार मिलता रहेगा। और उसके बाद जब आपको इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होगी तो आप भी प्रवीण जी हमें फोन करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। जी थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस जी, थैंक यू डॉक्टर जी। पेशेंट्स की जो खुशी होती है सिर्फ आपसे बात करने में, वो उनकी आवाज़ में झलकती है, और उसके बाद जब उनका रिवर्सल हो जाता है तो वो तो और सोने पे सुहागा है। पर मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी को अपना पाएं, ये खुशी उन तक पहुँचे, तो तुरंत एक फ़ोन कॉल और ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं। मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ जी। मेरा नाम इंदु मल्होत्रा है जी। तो इंदु जी, बताइए कैसे याद किया आपने हमें, कुछ जानना चाहती हैं आप? एक्चुअली मेरे को 1.5 साल पहले डॉक्टर, एक्चुअली मैं जिम में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। अच्छा जी। माय एज इज 60+। अच्छा जी। सो मैं रेगुलरली 45 मिनट और 1 घंटा जिम में स्पेंड करती थी। सो मैं बहुत ही एक्टिव थी एंड सडनली आई थिंक लास्ट 10 साल से मैं जिम में एक्टिव थी। अच्छा जी। तो सडनली एक दिन मुझे ऐसी ट्रेड से वापस आई हूँ, सो आई फील सम पेन इन माय राइट नी जी, एंड देन आई थॉट मे बी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा जी। उसके बाद मुझे 10 दिन बाद माय चिल्ड्रन दे आर इन अब्रॉड, सो मुझे ट्रेवल करना था। अच्छा जी। सो देन आई थॉट के व्हाई नॉट शो टू डॉक्टर, सो आई वेंट देयर एंड उन्होंने मुझसे पहली चीज पूछे कि हाउ ओल्ड यू आर जी। सो देन आई सेड कि माय एज इज 60+ जी। तो उन्होंने बिना कुछ मुझे और एडवाइस दिए, ही सेड कि दिस इज एज फैक्टर, गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। अच्छा जी। तो उसके बाद मैं 10 दिन के बाद ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आई सेड कि वापस आके देन आई सी जी जी। सो डॉक्टर समहाउ आई मैनेज विद दिस थिंग एंड आफ्टर 3 मंथ्स आई केम बैक टू बैंगलोर, सो आई सॉ योर प्रोग्राम इन टीवी। सो आई थॉट कि सब चीजें करने से पहले व्हाई नॉट मुझे, जैसे आप देखा मैंने तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस जी। सो देन विद इन आई थिंक 15 डेज आई फील गुड कि मेरे नी में पेन नहीं है एंड आई सूजीज अप्लाई व्हाटएवर जो भी उन्होंने मेरे को आपकी टीम ने बताया आई डिड जी। एंड 1 मंथ में मुझे डॉक्टर संदीप, उनका बहुत वो कांटेक्ट में थे, फोन करते थे, तो आई ऑलवेज सेड कि मैं 80% ठीक है, 90% ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि 98% आई एम ओके। वेरी गुड। सो देन 6 मंथ मैंने डॉक्टर वो ट्रीटमेंट आपका लिया, सभी चीजें यूज की एंड आई एम डूइंग इवन स्टिल 1 आवर मॉर्निंग साइकिलिंग एंड 1 आवर इवनिंग। वेरी गुड। सो करीब आपने
करीब आपका 6 महीने के अंदर टोटल रिवर्सल हो गया था और सर्जरी का तो क्वेश्चन ही निकल गया था वहां से, यानी कि उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते। पर आपकी टीम की तारीफ करूंगी, बहुत देयर फॉलो अप जैसे होता ना कि बहुत जी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, रोज डांट खाते हैं मेरे से और धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे तो और ज्यादा तारीफें आनी शुरू होंगी। तो दिस इज लाइफ, लर्निंग प्रोसेस है। तो इंदु जी ख्याल रखिए अपना और सारे बेंगलोर वासियों को और सारे पंजाबियों को हमारी तरफ से नमस्कार कहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों आप भी डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियां, कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज सब उनसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आप ही के एक ऐसे पेशेंट जिन्होंने आपकी रिकमेंडेशंस ली, हर चीज को अच्छे से समझा और अपनी स्टोरी अब आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। मेरा नाम नजमा खान है और मेरा उम्र 63 साल है। मैं शालीमार गार्डन दिल्ली से बोल रही हूँ। 3 साल पहले मुझे मसल्स पेन था, बहुत तकलीफ थी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने पेन किलर दिया, थोड़े देर के बाद वो ठीक हो जाता था, फिर वही तकलीफ हो जाती थी। जीने से उतरना, चलना फिरना बहुत महाल हो गया, एकदम बहुत परेशान हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि पैर बिल्कुल एक टांग अकड़ गया और फिर दुश्वार हो गया, एक कदम चलना नहीं, करवट बदलती थी तब भी तकलीफ थी, पैर कुछ भी काम नहीं कर, जवाब दे दिया बिल्कुल। फिर मैं एक बार डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम टीवी में मैं देखी, इसी घुटने के बारे में वो बता रहे थे, तो मैंने वो सप्लीमेंट मंगवाया, अथराइज प्लस और जेनार्थो और सूजी, और मैं खाना शुरू कर दी। उसके बाद एक हफ्ता के बाद मुझे आराम मिलने लगा और अब 9 महीना से मैं खा रही हूँ। अब मेरे 80% फायदा है और अब मैं चल लेती हूँ, हर काम कर लेती हूँ, कॉन्फिडेंस भी आ गया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी सप्लीमेंट उन्होंने निकाला। डॉक्टर गौरव शर्मा को ऐसा अल्लाह पाक ले जाए उनको बुलंदी तक, जहाँ सितारों से आगे जहाँ और भी है, उनकी उम्र दराज करें। और इतने पेशेंट जो हज़ारों ठीक हो गए हैं उसमें से मैं भी हूँ, उनकी दुआएं से उनका कदम बोसी और दुआएं उनकी में और उनका उम्र दराज हो, और मैं डॉक्टर गौरव शर्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर जी अनदर सक्सेस स्टोरी, अनदर फेदर इन योर कैप, हाउ डू यू फील अबाउट इट? फैंटास्टिक अंकिता जी, बार बार आप मुझसे यही पूछते, मेरा आंसर सिर्फ यही आएगा कि जब कोई इंसान मेरी रिकमेंडेशन ले लेता है, पूरे तरीके से फॉलो करता है, 100% रिजल्ट्स लेके आता है, ऐसी इतनी सुंदर कहानी सुनाते हैं, मुश्किलों से जूझते हुए भी ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, विच इज़ रियली रियली फैंटास्टिक। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके के रिजल्ट्स चाहते हैं तो प्लीज़ राइस के फॉर्मूले को फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। साइकिल में थोड़ा खर्चा होता है लेकिन बाद में उससे कितनी बचत होने वाली आपको अंदाज़ा नहीं है। आर्थराइट प्लस और जेन आर्थरो दोनों लेने, यानी कि पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है और आधे अधूरे 60-70% के रिजल्ट्स नहीं लाने या सक्सेस नहीं लाने, इनकी तरह 100% रिजल्ट्स लाने। और बनिए आप भी जल्दी से हमारी एक और सक्सेस स्टोरी। डॉक्टर जी फोन की घंटी लगातार बज रही है, लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं। मैं मंजू चौधरी बोल रही हूँ रुड़की से। मंजू जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। आप रुड़की से बोल रहे हैं, कभी कभी मैं रुड़की से गुजरा हूँ आपके शहर से, जूम करते हैं। अच्छा जी। तो आप हरिद्वार के रास्ते में पड़ती हैं। बिल्कुल हरिद्वार के पास है जी। तो मंजू जी कैसे याद किया, कुछ जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं हमें? मेरी प्रॉब्लम यही थी कि गैप कम हो गया था घुटनों में जी। सभी ने ये कहा कि ये ऑपरेशन है इसका इलाज जी, फिर मैंने ऑपरेशन अभी कराना नहीं चाहती। तो मंजू जी मुझे ये बताइए कि आपको दर्द किस समय होता था, शायद हमारे व्यूअर्स दूसरों को भी हो, उठते बैठते चलते फिरते सीढ़ी चढ़ते उतरते या लेटे लेटे दर्द होता था आपको? नहीं ऐसे ही चलता था, लेटे लेटे भी, जैसे घुटना मोड़ती हूँ जी उसमें भी प्रॉब्लम होती थी मुझे जी। तो अब मुझे 60-70% आराम था। तो आपको कितने दिन में फायदा होना शुरू हो गया था?
मेरे को 2 महीने बाद कुछ हल्का हल्का आराम। 2 महीने के बाद बिल्कुल। और आपने सिर्फ आर्थराइट प्लस लिया था या जनरल आर्थ्रो भी लिया था? दोनों ही लिया है। दोनों लिया था। और आपने एक्सरसाइज शुरू करी थी एकदम या और साइकिलिंग शुरू करी थी? साइकिलिंग भी मैंने तुरंत शुरू करी है, सुबह शाम करती हूँ जी। और आपने एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे लगातार जी? और आपके घुटने में सूजन थी? सूजन बहुत कम थी, लेकिन अब मैं 10 दिन के टूर पे गई थी। अच्छा तो जी, मेरे को ज्यादा चलना पड़ा है तो सिर दर्द हो गया, फिर से हो गया। तो मंजू जी मुझे ये बताइए कि उस टाइम पे आप रेस्ट कर रहे थे, क्या आप क्रेप बैंडेज बांध रहे थे, क्या आप तकिए रख रहे थे पंजे के नीचे, क्या आप रेस्ट कर रहे थे? आपने बताया था ना, एक बार मैं करती थी दिन में। एक बार करते थे। और अगर व्यूअर्स को बताना चाहूंगा और पेशेंट्स को, अगर आपकी हालत पहुंच चुकी ऑपरेशन तक, तो कम से कम 2 से 4 बार जरूर करें। और याद रखें कि 3 महीने तक चलना फिरना बंद रखना चाहिए, क्योंकि वो घाव फिर से खुलने शुरू हो जाते हैं। कम से कम 1 से 3 महीने का रेस्ट चाहिए होता है इन कंडीशन में, क्योंकि बहुत एडवांस होती है, बहुत बड़ी हुई कंडीशन होती है। साइकिलिंग के अंदर आपका जो थाई है वो टाइट होती है जी, और सांस फूलता है थोड़ा सा? नहीं, सांस तो नहीं फूलता। यानी कि उसको इतना टाइट रखिए कि आप थोड़ा थोड़ा सांस फूलता रहे, और जब सांस फूल जाए तो फिर स्लो हो जाइए, अपना सांस वापस लेके आइए। इंटरवल्स में काम करेंगे तो आपको वेट लॉस भी होना शुरू होगा। तो ये रिकमेंडेशन और देना चाहूंगा। और मुझे लगता है और 3 से 6 महीने का कोर्स कीजिए दोनों का, एक्सरसाइज करते रहिए और साइकिलिंग। मतलब दिन में 4 लें या 2 लें, कम लें? नहीं, आपको कम नहीं लेनी जब तक आप सही जगह पर नहीं पहुंचते। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से इसको खत्म करें और उसके बाद बंद करें, और फिर हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स करें। इसलिए इसको 2-2 लेते रहिए अगले 3 से 6 महीने तक। साइकिलिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है जी? अच्छा। और रुड़की वासियों को और हरिद्वार के आसपास के सभी भाई बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। ओके दोस्तों, आपकी छोटी से छोटी गलती आपके अंदरूनी घावों को बढ़ा सकती है, पर हम चाहते हैं कि आप ऐसी गलतियां ना करें और अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करके दिखाएं। बात कीजिए डॉक्टर जी से और जानिए क्या है सही और क्या है गलत। डॉक्टर जी, जनरली अगर हम आर्थराइटिस के बारे में सोचें या फिर जोड़ों में दर्द के बारे में सोचें तो लगता है कि शायद ये एल्डरली लोगों को होता है या एज रिलेटेड है, पर मैंने ये भी देखा है कि इंजरी अगर हो जाए, या जैसे डांसर्स हैं जो अपने जॉइंट्स का ओवर यूज़ करते हैं, या अगर कहीं चोट लग जाए तो भी अर्ली ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस हो जाता है, इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली। दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपका जॉइंट है उसके बीच में कार्टिलेज है, अगर उसको रगड़ाई करेंगे लगातार तो वहाँ वेयर एंड टेयर होता ही है। अगर हम अर्ली स्टेज के अंदर रेस्टोर करें, उसको रिपेयर करते रहें, तो बिल्डिंग सालों साल चलती है। जैसे कि कोई पुराना किला हो जिसको लगातार रिपेयर करते हैं तो सैकड़ों सेंचुरीज तक चलता रहता है। उसी तरीके से आपकी बॉडी है, वेयर एंड टेयर जो टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर करते रहिए। और काश इन डांसर्स को हमारे बारे में पता होता तो उनकी ज़िंदगी शायद आसान हो जाती। वेल डॉक्टर जी, आई एम श्योर हमारा जो ये मिशन है, जो मुहिम है, वो लोगों तक पहुंच रही है। ढेर सारे व्यूअर्स, उनमें से डांसर्स भी होंगे, स्पोर्ट्समैन भी होंगे, जो अब आपके फ़ैन बन चुके हैं। इसी आशा के साथ कि जो आप कीमती समय हमें देते हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, वो लोगों तक पहुँचेगी, उनकी मदद करेगी। इन सब की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। ऑलराइट दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, पर आप अभी डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं, अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए, लिखिए या फिर कांटेक्ट कीजिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0111-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है at.drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं, और आप हमसे Facebook, Twitter, Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स, आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो, और ज्वाइंट पेन केयर के लिए डाइट प्लान, हेल्दी रेसिपीज, एक्सरसाइज प्लान के साथ साथ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो मंगाकर पा सकते हैं विश्वास, दर्द रहित जिंदगी का, और जज्बा अपने आर्थराइटिस को डिफीट करने का। इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे के अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।